गर्मियों के मौसम में गर्मी से हम कैसे बचना है। दोस्तों गर्मियों के मौसम में क्या रहता है कि बहुत सारी जब बहुत तेज़ जब गर्मी पड़ने लगती है तो दोस्तों क्या है, शरीर के अंदर से डिहाइड्रेशन होने लगता है। और हमें गर्मियों के अंदर हमें ऐसी कौन सी चीज़ खानी चाहिए जिससे हमें गर्मी से लू से बचा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्लांसिंग डे चैनल। दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं गर्मियों में, तो दोस्तों हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है गर्मियों में। दोस्तों क्या है, हमें सबसे पहले क्या है, बच्चों का, छोटे बच्चे होते हैं उनका भी ख्याल रखना है गर्मियों में। और जो दोस्तों क्या है, बुज़ुर्ग लोग हैं उनका भी बहुत ध्यान रखना है गर्मियों के मौसम में। जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत तेज़ी से शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन होने लगता है दोस्तों। और बात करते हैं कि जब गर्मियों का मौसम होता है तो उस स्थिति में क्या है दोस्तों, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है और शरीर के अंदर से डिहाइड्रेशन होने लगता है और शरीर हमारा कमज़ोर हो जाता है, शिथिल होने लगता है, पानी की शरीर के अंदर से कमी हो जाती है दोस्तों। क्या है कि और स्थिति क्या बनती है कि हमें जो बाहर फील्ड पर काम करते हैं, बाहर का हीट में काम करते हैं, उन लोगों का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यदि आप बाहर काम करते हैं, बहुत तेज़ गर्मी है, तो आप उस समय छुट्टी ले सकते हैं, बीच बीच में वाटर ले सकते हैं, बीच बीच में रेस्ट ले सकते हैं, बीच बीच में जो है ORS इलेक्ट्रोलाइट वगैरह पी सकते हैं, जिससे क्या है हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें ऐसे ऐसे कौन कौन से कॉज हैं जो हमें बचना चाहिए इनसे। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं करूँगा बच्चों की। तो बच्चों को जब भी आप बाहर निकल रहे हैं गर्मियों के मौसम में, तेज़ धूप है, तो आप 4-व्हीलर में आप बाहर जा रहे हैं, तो कार में आप बाहर जा रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या है दोस्तों आप बच्चों को कभी भी कार में बंद मत कीजिए, कार में मत छोड़िए दोस्तों। क्या है, कार बहुत तेज़ी से गर्म हो जाती है और गर्म होती है तो बच्चों को बहुत तेज़ी से हीट स्ट्रोक होने का चांस रहता है, हीट बर्न होने लगते हैं दोस्तों। दोस्तों और क्या रहता है, जब भी आप कार से बाहर निकल रहे हैं तो तुरंत बच्चों को आउट कीजिए, या फिर जब भी आप कार में छोड़ रहे हैं तो शीशे बंद मत कीजिए दोस्तों, एयर का उसमें आदान प्रदान होना चाहिए जिससे क्या है बच्चों को कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो और हीटअप कम हो। दोस्तों आप क्या है, गर्मियों के मौसम में अल्कोहल लेते हैं या दारू का सेवन करते हैं, तो आपको दारू बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि दारू का काम क्या रहता है, वो डायूरेटिक्स होती है जो शरीर के अंदर से पेशाब की मात्रा बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर देती है, शरीर के अंदर बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेशन होने लगता है दोस्तों। दोस्तों यदि आप बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो दोस्तों उस स्थिति में भी क्या है, आपको शरीर के अंदर कमजोरी बहुत तेज़ी से आ जाएगी और बहुत आपको डायूरेटिक्स की एक काम करता है चाय और कॉफ़ी, शरीर के अंदर से कमजोरी आती है और हीटअप पैदा होती है। दोस्तों क्या है, हम जितना हो जाए तो चाय और कॉफ़ी से बचें। दोस्तों क्या है, गर्मियों के मौसम में हल्के कपड़े पहनें, जितना हो जाए कॉटन के कपड़े पहनें और हल्के कलर के कपड़े पहनें, जिससे क्या है शरीर के अंदर चुभे नहीं और आराम से जो है एब्जॉर्प्शन हो। में क्या है दोस्तों गर्मियों के मौसम में क्या है, यदि आप एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, एयर कंडीशन में बराबर आपका जाना रहना रहता है, तो दोस्तों जितना हो जाए एयर कंडीशन से कम इस्तेमाल करें। एयर कंडीशन आप करते हैं इस्तेमाल तो यदि आपको बाहर निकलना होता है तो उस स्थिति में जब तक आप एयर कंडीशन के अंदर रहते हैं तो दोस्तों क्या है शरीर के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं होती है। दोस्तों क्या है, जब एयर कंडीशन से आप बाहर जाते हैं तो शरीर के अंदर से डिहाइड्रेशन बहुत तेज़ी से होने लगता है, पसीना बहुत तेज़ी से आने लगता है, स्वेटिंग बहुत तेज़ी से होने लगती है, गर्मी बहुत तेज़ी से लगती है। दोस्तों क्या है, जब बहुत ज़्यादा छुट्टी पड़ती मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है तो दोस्तों उस बीच में आप छुट्टी ले सकते हैं अपने काम से, और यदि आपको मान लीजिए छुट्टी नहीं मिलती है, आपका फील्ड वर्क का काम रहता है, तो दोस्तों आप जगह जगह पर पानी पीते रहें, जगह जगह पर जूस वगैरह पीते रहें, पानी का सेवन जितना हो जाए, तरल पदार्थ का सेवन खूब करें, ज़्यादा करें, और छाँव में रुक के जो है बराबर रुकते रहें। दोस्तों
पानी का सेवन पूरा जितना हो जाए पानी का सेवन करते रहें और अच्छे से रहें। दोस्तों क्या है, यदि किसी व्यक्ति को बीमारी होती है गर्मियों के मौसम में, और क्या और बहुत तेज़ी गर्मी लगती है उसे बीमारियों से, तो दोस्तों हमें किन किन बीमारियों का ध्यान रखना है। दोस्तों यदि बीपी किसी का बढ़ता है, बहुत तेज़ बढ़ता है, तो दोस्तों उस स्थिति में क्या है, आप गर्मियों में बीपी वाले व्यक्ति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनका वातावरण ठीक रखें, उनके जहाँ अब वो रहते हैं उस एरिया को कूल रखें और हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन रखें, जिससे क्या गर्मी में उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा ना हो। दोस्तों जिसकी थायराइड की समस्या है, थायराइड बढ़ा हुआ रहता है, तो दोस्तों उनके भी शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्थिति बेकार हो जाती है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। इस स्थिति में क्या है, शरीर का पेट का डाइजेशन खराब हो जाता है। दोस्तों क्या है, हमें उस स्थिति में भी हमें खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें गर्मियों के मौसम में कौन सी चीज़ खानी है और कौन सी चीज़ नहीं खानी है, इसके बारे में हम बताएंगे। दोस्तों गर्मियों के मौसम में दूध आप ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, मट्ठा ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, रसदार फल ले सकते हैं, ORS आप ले सकते हैं दोस्तों, गन्ने का जूस ले सकते हैं दोस्तों, दाल खूब पी सकते हैं दोस्तों, वाटरी मतलब पानी बहुत पी सकते हैं दोस्तों, खीरा बहुत ले सकते हैं, जितनी भी मतलब आपके अंगूर खूब ले सकते हैं, शिकंजी खूब पी सकते हैं, लस्सी भी खूब पी सकते हैं। तो इस स्थिति में क्या है दोस्तों, यदि हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर के अंदर से डिहाइड्रेशन हमारे कम होता है। बात करनी है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, तो सबसे दोस्तों बात करते हैं कि आपको चटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। दोस्तों आप चटपटी चीज़ें खाते हैं, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और तीखी चीज़ें खाते हैं दोस्तों, तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। ये इस तरह की समस्या है आपके साथ तो सब समस्याएं आपके सामने गंभीर हो जाएंगी। दोस्तों तली भुनी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दीजिए, चाय आप ज़्यादा पीते हैं तो चाय भी बंद कर दीजिए दोस्तों, कॉफ़ी आप पीते हैं तो कॉफ़ी भी बंद कर दीजिए, जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक भी बंद कर दीजिए, कॉफ़ी चाय कोल्ड ड्रिंक जितने भी होते हैं दोस्तों वो सब डायूरेटिक्स होते हैं, शरीर के अंदर से पानी की मात्रा बहुत तेज़ी से कम करने लगते हैं और हमें बहुत तेज़ी से प्यास लगती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमें गर्मियों में किस तरह से अपने शरीर का ख्याल रखना है, कौन कौन सी चीज़ें खानी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। दोस्तों जितना हो जाए गर्मियों के मौसम में, गर्मियों का मौसम चालू हो गया है, गर्मियों के मौसम में क्या है, शरीर का बहुत विशेष ध्यान रखें, पानी का इस्तेमाल खूब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।